फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में कंसोलिडेशन क्या होता है उसके बारे में सीखा था और एक ग्राफ स्टडी करा था दैट वाज बिटवीन द void ratio and effective stress। अभी यहां पर हम लोग शुरू कर रहे हैं about the Terzaghi theory of primary consolidation। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी हो जाती है ये हमारे लिए जब मैं कंसोलिडेशन स्टडी करता हूं। देखिए, थ्योरी में एक डेरिवेशन भी मिलता है, फॉर्मूला भी मिलता है, बट सबसे पहले ये थ्योरी स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर समझता हूँ व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ द तर्जागी व्हाइल गिविंग दिस पर्टिकुलर थ्योरी। सबसे पहला एजम्पशन जो यहाँ पर हम लोगों ने एज्यूम करा है दैट इज द सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है? तो होमोजीनियस का मतलब हम सभी जानते हैं कि जो स्पेस है, स्पेस या लोकेशन के साथ प्रॉपर्टी सॉइल की चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स हर लोकेशन पे परमेबिलिटी हो या वॉइड रेशियो हो, वैल्यूज सेम रहेगी। बट आइसोट्रॉपिक का मतलब हो जाएगा कि सभी डायरेक्शंस में सॉइल की प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। दैट मीन्स kx हो या ky हो या kz हो, तीनों की वैल्यूज इक्वल रहेंगी। इसके अलावा जो सेकंड अजम्पशन था वो ये था दैट द सॉइल इज सैचुरेटेड एंड रिमेन्स सैचुरेटेड। ये एजम्पशन इसलिए दिया गया बिकॉज कि अगर मान ले जो सॉइल है वो अनसेचुरेटेड हुई तो मैं वहाँ पर ये नहीं मान सकता हूँ कि प्राइमरी कंसोलिडेशन शुरू हुआ होगा, क्योंकि अगर सॉइल अनसेचुरेटेड रह गई इसका मतलब कि उसके अंदर कुछ प्रेजेंट होंगे एयर वॉइड्स, और वो एयर वॉइड्स जब बाहर निकलेंगे तो उसके कारण इनिशियल कंप्रेशन होगा, ना कि प्राइमरी कंसोलिडेशन। सो इसलिए मैंने ये एज्यूम कर लिया कि यहाँ जो सॉइल होगी वो सेचुरेटेड रहेगी। इसका मतलब नो इनिशियल कंप्रेशन विल टेक प्लेस, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड असम्पशन लिया गया वो लिया दैट द सॉइल इज सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट क्यों बोला गया और इसका क्या मतलब होता है, सुनेंगे। सेमी इनफाइनाइट है, इसका मतलब है कि जो सॉइल है उसकी एक डायमेंशन तो बहुत इनफाइनाइट है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इनफाइनाइट चलता है, आप हॉरिजॉन्टल डायमेंशन इसकी मेजर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये पक्की बात है कि जो वर्टिकल डायमेंशन है इस सॉइल की वो फाइनाइट है, लेट दैट बी h, ठीक है। सो इसका मतलब जो भी वॉल्यूम रिडक्शन होगा आप लैटरल डायरेक्शन में तो मेजर कर ही नहीं सकते। आप जो भी वॉल्यूम रिडक्शन होगा उसको मेजर करोगे ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन। इसका मतलब मैं यहां पर ये बोल सकता हूं दैट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रीम इन द सॉइल will be equals to the longitudinal strain or volumetric strain, मतलब change in volume upon initial volume will be equals to the delta h upon h naught। मैं मान लेता हूं कि ये सॉइल है ये कुछ इस तरह से यहां तक आके सेटल हो गई। सो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा फाइनल थिकनेस ऑफ द सॉइल, और डेल्टा एच कुछ और नहीं बल्कि ये हो जाएगा हमारे लिए टोटल चेंज इन द थिकनेस, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द एच नॉट माइनस एच एफ, ठीक है। सो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप सेमी इनफाइनाइट जो एजम्पशन है उसका इंटरफेरेंस निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो फोर्थ एजम्पशन है तर्जागी थ्योरी का दैट इज दैट द हाइड्रोडायनामिक लैग इज कंसिडर्ड। हाइड्रोडायनामिक लैग इज कंसिडर्ड वेयर एज प्लास्टिक लैग इज नेग्लेक्टेड। इसका क्या मतलब है, सुनेंगे जरा। हाइड्रोडायनामिक मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, डायनामिक मीन्स मूवमेंट, मतलब वाटर के मोशन में, वाटर के एक्सपल्शन में जो टाइम लगेगा आप उसको तो स्टडी कर रहे हो। लेकिन प्लास्टिक लैग मीन्स प्लास्टिक बिहेवियर, दैट मीन्स डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, दैट इज रीअरेंजमेंट ऑफ सॉलिड्स में जो टाइम लग रहा है, जिसको हम लोग बुलाते हैं एज द सेकेंडरी कंसोलिडेशन, उसको आप कंसिडर नहीं कर रहे। दैट मीन्स कि जो मेरा फोर्थ असम्पशन है वो प्लास्टिक लैग को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और प्लास्टिक लैग मतलब होता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन, वेयर एज हाइड्रोडायनेमिक लैग मीन्स वाटर का एक्सपल्शन, दैट मीन्स प्राइमरी कंसोलिडेशन। इसका मतलब कि आप प्राइमरी कंसोलिडेशन को तो कंसीडर कर रहे हो, लेकिन सेकेंडरी कंसोलिडेशन को आप यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देते हो। ठीक है, एक और असम्पशन है यहाँ पर, दैट द फ्लो इज लैमिनार और डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल। क्योंकि जहां मैंने ये बोला दैट डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल, इसका मतलब कि जो फ्लो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फ्लो लैमिनार होना चाहिए। और लैमिनार अगर फ्लो है और डार्सी लॉ एप्लीकेबल है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मैं वी इज इक्वल्स टू के आई ये इक्वेशन का यूज कर सकता हूँ। सो ये थे हमारे बेसिक एजम्पशंस ऑफ द तर्जागी थ्योरी ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन। एक और यहाँ पर एजम्पशन है, वो एजम्पशन को भी यहाँ पर याद रखना है, दैट फ्लो ऑकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायमेंशन। That means we assume that flow occurs only in the vertical direction. That means कि अगर ये मान लेते हैं soil है, तो जो water flow होगा वो सिर्फ और सिर्फ vertical direction में या तो ऊपर या फिर नीचे होगा। ना ही water inclined direction में flow करता है, ना ही horizontal direction में water का flow होने वाला है। हम यहाँ पर assume कर लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ vertical direction में ही water flow कर रहा है। इसीलिए ये जो तर्जागी theory है, हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ तर्जागी theory जो हम लोग study कर रहे हैं, that is of one dimensional consolidation। ठीक है, सो ये है हमारे बेसिक assumptions of that theory that we are going to study in the B level or for the other competitive exams। इस पर्टिकुलर थ्योरी में डेरिवेशन हम लोग यहाँ पर करते हैं। डेरिवेशन इस वीडियो में तो मैं यहाँ पर आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप लोगों को टर्म्स जानना जरूरी होता है, ना कि डेरिवेशन। तो टर्म्स के बारे में इलाबोरेशन मैं अगले वीडियो में करूँगा, बट फॉर्मूले को यहाँ पर याद रखेंगे दैट द फॉर्मूला for the Terzaghi theory is nothing but that is del u by del t is given by cv into del 2u by del z square। सो ये फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं इन द तर्जागी थ्योरी। किस तरह से डेरिवेशन आता है उसके लिए मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पर जो भी टर्म्स आ रही है इन सारे टर्म्स का क्या सिग्निफिकेंस है और किस तरह से ये सब वैरी करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।